तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है कि घर में जो प्रयोग होता है ये इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड, इसकी वायरिंग कैसे करते हैं। इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया है शुरू से एंड तक, तो आप मेरी गारंटी 99.9% है कि इसकी वायरिंग करना आप सीख जाएंगे पूरे तरीके से। आपको सबसे पहले प्लाई रहती है, उसके ऊपर ये नट होते हैं इस टाइप के, ये इनको कस लेना है और इसके ऊपर फिट बैठा लेना है कि आपको कितने स्विच चाहिए, कितने होल्डर, कितने सॉकेट। इसकी वायरिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करो, बोर्ड के अंदर पहचानो कितने स्विच लगे हुए हैं और कितने सॉकेट हैं, कितने इंडिकेटर हैं और कितने होल्डर हैं। तो मेरे इस बोर्ड में तीन तो स्विच हैं, तो मैं तीन स्विच इधर देखता हूँ, 1 2 3, मेरे को तीनों स्विच मिल गए। इन तीनों स्विच को जो नीचे नीचे वाले पॉइंट हैं इनको मुझे कनेक्ट करना है केबल से। और स्विच कसते टाइम में ध्यान रखो, जो स्विच है उसकी जो दोनों पॉइंट है वो नीचे की साइड रहने चाहिए, दोनों पॉइंट नीचे की साइड, और ये ISI का ट्रेडमार्क ऊपर। ठीक, और इसके ऊपर एक कट भी रहता है छोटा सा, ये पास से दिखाऊँ तो दिख रहा होगा, ये कट नीचे की साइड रहना चाहिए। तो सबसे पहले एक वायर उठाएंगे, एक पेंसिल निकल गया इसकी, तो वहीं कसेंगे दोबारा से, ये वहाँ पर मैंने कर दिया इसे टाइट, इसका नहीं है ये, शायद ये इंडिकेटर का है। ये नट आपको अच्छे से टाइट कर लेना, वीडियो में टाइम वेस्ट ना, उसके लिए मैंने आपके लिए पहले सब काम करके रखा था। आपको ये ऐसे टुकड़े लेने हैं जितने दूर पर चुटकी रखी हुई है, इसमें यहाँ से सेट से वायर को इंसर्ट करो, दूसरी साइड निकालो, फिर आपको एक यहाँ से यहाँ तक के लिए एक वायर चाहिए, इसको एक साइड टाइट कर दो ताकि हिले नहीं, इधर से टाइट मार दो इसको, और इसको थोड़ा ज़्यादा कर दिया है। फिर वायर काटते टाइम ध्यान रखो कि जो वायर की लेंथ है वो कम ना हो, जो छोटा है वायर बढ़ाएंगे उसको लगाएंगे। फिर एक से यहाँ से यहाँ तक के लिए अपन एक केबल लेंगे, ये वाली सही रहेगी, ये छिली हुई है पहले से, फटाफट फटाफट से मैं आपको उसको दिखा देता हूँ, फिर डायग्राम के थ्रू भी समझाऊँगा एक बार, ताकि उससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। नहीं भी आता तो आप वीडियो में नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपको समझने का पूरा पूरा प्रयत्न करूँगा। यहाँ से यहाँ और यहाँ तक इन तीनों के एक एक पॉइंट को मुझे कनेक्ट करना है, तो मैं नीचे नीचे वाला कर देता हूँ जिस प्रकार मैंने वहाँ पे करे थे, इसे एक पॉइंट मुझे इसका लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के बीच में छोटा वायर चल जाएगा आराम से, इसे नीचे ले लेंगे। फिर जब हमें आपको एक होल्डर को यहीं से उठा के होल्डर में ले जानी है, एक पॉइंट मैं इसको काट लूंगा, वायर पहले काट लो, इस वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। लगा लो, फिर एक वायर यहाँ से यहाँ तक के लिए चाहिए, ये इंडिकेटर का हो गया, ये होल्डर है इस साइड, तो ये इसके अंदर देंगे इसको, फिर आसानी से ध्यान से देखोगे तो सब समझ जाओगे, ना हुआ नहीं है। हाइट कर देंगे अच्छे से, लगभग 50% काम अपना पूरा हो गया,
50%। फिर आपको क्या करना है कि जिस स्विच का कनेक्शन जिस सॉकेट से रखना है उसके ऊपर ऊपर वाले पॉइंट को मिला देना। जैसे कि मुझे ये स्विच है मेरे पास में, तो ये मेरा सॉकेट है, मुझे इससे इसको बंद चालू करना है, ऑन ऑफ करना है, तो यहाँ से यहाँ तक मैं कनेक्ट कर दूँगा। अब जैसे कि मैं देखो तो ये इसका सिस्टम में इससे रखूँगा, इसका ऑन ऑफ ये रहेगा, ये होल्डर के लिए दोनों डायरेक्ट हो जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा कि ये यहाँ से केबल का थोड़ा लूँगा और इन दोनों को ऐसे कनेक्ट कर दूँगा। ये इसका कॉन्टेक्ट इस स्विच का इस वाले 5 वोल्ट से हो गया है, इसका इससे रखना है। तो आपको एक वायर लेना है और यहाँ स्क्रू नहीं है, कहीं से स्क्रू ढूंढ को वहाँ कसनी पड़ेगी। इसको ऐसे में लगा देता हूँ इसको समझाने के लिए, बाद में मैं स्क्रू लूँगा मार्केट से फिर वहाँ लगाऊंगा। इसको ऐसे इसका सिस्टम इससे हो गया, इसका ये जो ये अपना सॉकेट है और ये अपना स्विच है, तो इसका इस होल्डर से कनेक्शन करना है ऑन ऑफ के लिए। तो इसको इसमें कनेक्ट करेंगे ये इधर से इससे, तो एक टर्मिनल इसका इस साइड में इसे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, ये हो गया। अब ये जो पॉइंट रहा अपना, इसको डायरेक्ट करना है अपने, जैसे कि जैसे लाइट आती है तो वैसे ही न्यूट्रल और एक फेज आ जाना चाहिए। तो ये यहाँ से जो इसका न्यूट्रल है ये यहाँ और यहाँ से यहाँ तक तो पहुँच गया, पर इस डायरेक्ट पॉइंट में नहीं पहुँचा ना अभी फेस। तो अपन इस स्विच से इस पॉइंट से उठाएंगे और यहाँ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इसमें भी स्क्रू है नहीं, इसको मैं से कनेक्ट करूँगा और इसके नीचे वाले पॉइंट से जोड़ूँगा, क्योंकि ऊपर तो तब लाइट आएगी ना जब स्विच चालू रहेगा, तो नीचे तो ऑफ रहेगा तब भी पानी ही है, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा। नीचे कनेक्ट करूँगा ठीक है। इंडिकेटर को चलने के लिए मेरे को अर्थिंग तो यहाँ से मिल गया न्यूट्रल, ये वायर, ये यहाँ से, और इसका फेस भी चाहिए, फेस मैं इससे दूंगा। फेस देने के लिए मैं इसको यहीं से फेस देने वाला हूँ, या मैं यहाँ से भी दे सकता हूँ, मैं इसको यहाँ से दे दूँगा क्योंकि वहाँ पे मैंने ऑलरेडी कनेक्ट कर दिया है। 3 भी कनेक्ट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे। ये इस प्रकार से है, कनेक्ट कर दिया, ये हो गया, ठीक है। अब आपको जब भी इसमें न्यूट्रल फेस सप्लाई देनी है तो आप यहाँ तो ये इस पॉइंट से जो स्विच के आपने पॉइंट को एक किया था तार के थ्रू वहाँ से दे सकते हो, तो न्यूट्रल सप्लाई आप जो सॉकेट के जो एक एक पॉइंट आपने कॉमन किए थे, ये वाला यहाँ सप्लाई दे सकते हो। तो आपको सप्लाई देने के लिए एक तो यहाँ से देनी है सप्लाई यहाँ से, और एक सप्लाई देनी है यहाँ से, ठीक है। ऐसा करते ही पूरे बोर्ड में लाइट्स हो जाएगी। अब इसको डायग्राम से समझ सकते हैं आप। मैंने सबसे पहले क्या किया कि स्विच के पॉइंट के नीचे मैंने उनको ऐसे कनेक्ट किया था, ये स्विच है अपना, तो इस पॉइंट को मैंने इससे कनेक्ट कर लिया। इतना करो तो फिर वीडियो देखो आप बाद में। अब ये मेरी सॉकेट थी, तो मैंने एक पॉइंट को इससे मिलाया और इस वाले को इससे मिलाया, तो ये सिस्टम हो गया अपने न्यूट्रल के लिए, हो गया फेस के लिए, ठीक है। और ये मेरा होल्डर है, तो यहीं से मैंने होल्डर को दे दिया एक न्यूट्रल, और ये मेरा सॉकेट है, नहीं ये जो था ना मेरा ये स्विच है, ठीक है, ये स्विच था। तो स्विच का जो पॉइंट है पहले ऊपर से देना है या नीचे लाना है, एक पॉइंट को जो देना है आपको वो यहाँ से दे देना है। इंडिकेटर के लिए आपको एक यहीं से तो फेस मिल जाएगा और इसी को यहाँ से उठा के
न्यूट्रल दे देंगे, ठीक है। इसको ऊपर का पॉइंट इससे कनेक्ट करा देंगे, इसको ऊपर का पॉइंट इससे कनेक्ट कर देंगे, और ये जो स्विच है उसके गैस पॉइंट से या इस पॉइंट से आप इस स्विच के यहाँ से सप्लाई देंगे तो वोट चल जाएगा, फिर इस नीचे वाला सॉकेट से देंगे तो भी। इसको डायरेक्ट करने के लिए आपको एक ये यहाँ से यहाँ और देना पड़ेगा, तब जाके चलेगा। तो डायग्राम इतना क्लियर हुआ नहीं, इसका मैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे एक फोटो बना के